कभी कभी कोई की मूवी हमारे सामने ऐसी आती है जिसके हिट और फ्लॉप रहने की संभावना टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। जैसा कि आदिपुरुष के टाइम पे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि वो फिल्म अनाउंसमेंट टाइम तक सुपरहिट बताई जा रही थी, लेकिन फिर इसके ट्रेलर के आते ही फ्लॉप कही जाने लगी, और वैसा ही कुछ अब गदर 2 के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आइए आप और हम मिलकर कुछ की पॉइंट के थ्रू इस बात की पुष्टि करते हैं कि गदर 2 का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हैं जो कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है फिल्म की स्टोरी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से किसी फिल्म का जब रिमेक्स बनता है तो स्टोरी के पहले से पता होने की वजह से आधी ऑडियंस उसमें अपना इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती है, और वही सेम वजह अब गदर 2 को लेकर लग रही है। भले ही यह फिल्म जो है गदर फिल्म का सीक्वल है, उसका कोई रीमेक वगैरह नहीं है, लेकिन स्टोरी का रिवील कर देना इसके मेकर्स की सबसे बड़ी भूल रहने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ मेन जो फिल्म में देखने को बचा है वो है एक्शन, और एक्शन सीन का एंजॉयमेंट लेने के अलावा फिल्म में दूसरा कुछ बचा भी नहीं है। सेकंड इसका पॉइंट है डिले इशू गैप, मतलब कि फिल्म भले ही अपने तय समय और डेट पर रिलीज हो रही है, लेकिन जिस तरह से फिल्म की पीआर टीम ने हमारे सामने इस फिल्म को धीरे धीरे परोसने की सोची है ना, वह उनके लिए कई हद तक नुकसानदायक साबित होने वाली है। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद इसका टीजर आने में पहले ही इतने ज्यादा डिले हो चुका था, और जब टीजर रिलीज हुआ तो लोगों को काफी ज्यादा वो पसंद आया, और ऑडियंस की एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर बढ़ने लगी। सारे मूवी क्रिटिक्स और यहाँ तक कि ऑडियंस के जोश ने भी फिल्म को सुपरहिट करार दे दिया, लेकिन फिर से फिल्म के मेकर्स ने वही सेम गलती दोहरानी शुरू कर दी, और टीजर के रिलीज के बाद उनकी तरफ से फिल्म के प्रमोशन को लेकर एकदम सुस्ती जो थी वो बरकरार ही रही, और ना तो फिल्म के बारे में अगले एक महीने तक कोई बात हुई, ना ही कोई सॉन्ग रिलीज किया गया, और ना ही कोई अपडेट नजर आई, और यहाँ तक कि ट्रेलर को भी एक महीने के बाद रिलीज किया गया। और इसी बीच बाकी जो न्यूली रिलीज होने वाली फिल्में थी उनकी इन्फॉर्मेशन पर लोगों का ध्यान जाने लगा, क्योंकि भाई हर एक मार्केट का सीधा सा उसूल है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो यहाँ पर भी जो दिखेगा वो बिकेगा। और अब जब जाकर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तब तक आधा जोश जो ऑडियंस का वो मर ही चुका था, ऊपर से ट्रेलर भी सभी मूवी क्रिटिक्स के द्वारा एवरेज ही बताया गया है, जिससे कि उसकी साउंड पब्लिसिटी तो कमी हुई है। तीसरा मेन पॉइंट है फिल्म के बारे में एक र्यूमर यानी अफवाह का फैलना। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म में स्क्रीन पर काफी वेटेज डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा का रहने वाला है, को अभी तक तो ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि हर एक ऑडियंस के लिए गदर फिल्म का मेन हीरो के रूप में सिर्फ एक बंदा है, वो है सनी देओल, और उसी को देखने के लिए लोग थिएटर में जाने वाले हैं। तो इस तरह की अफवाह कहीं ना कहीं सनी देओल की प्रेजेंस को एक कैमियो रोल में फिट करने की कोशिश कर रही है, जो कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित हो सकती है। फिल्म के मेकर्स को खुद सामने आकर इस बात का क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि ये सारे सिर्फ एक रूमर है, ताकि फिल्म अच्छा सा एक्साइटमेंट लोगों के बीच में फिर से बढ़ा सके। इसके बाद लास्ट चौथा पॉइंट जो कि गदर के हिट होने की राह में एक रोड़ा बन सकता है, वो है अक्षय कुमार की सुपरहिट रही फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल ओ माई गॉड 2 का भी सेम उसी दिन रिलीज होना। जब दो बड़े स्टार आपस में टकराते हैं तो दोनों फिल्मों को अपनी आधी आधी ऑडियंस जो है वो गंवानी पड़ती है, और जिससे शायद जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड गदर 2 पहले बना सकती थी वह अब बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला। तो ये तो थे 4 पॉइंट जो कि फिल्म के लिए नेगेटिव रहने वाले हैं। अब बात करते हैं ऐसे 3 पॉइंट्स की जिससे कि फिल्म में भी बॉक्स ऑफिस पर हिट होकर हमारे सामने निकलकर सामने आए। फर्स्ट पॉइंट है 90s का क्रेज और दीवानापन। जी हाँ, इस फिल्म की मोस्ट USP 90 के दशक का वह क्रेज और दीवानापन है जिसे आज के समय में फिर से देखने के लिए लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि 90s के दशक के सारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, और उनके इस फिल्म के साथ जो इमोशन जुड़े हुए हैं वह फिर से इसके रिलीज की खबर से ही तूल पकड़े हुए हैं, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट तो आज भी वैसे ही सेम लेवल पर बरकरार है, उनका थिएटर जाना तो एकदम पक्का है। दूसरा मेन पॉइंट है फिल्म का विषय सब्जेक्ट, क्योंकि हर एक ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है, ये सब जानती हैं, जो कि इमोशन से भरी रहने वाली है, और क्योंकि जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि 90s की ऑडियंस इसके लिए अलग से एक्साइटेड है, और मोस्टली जितने भी 90s के सारे बच्चे हैं ना वो अब बड़े होकर अपना परिवार ही बसा चुके होंगे, तो सारे लोग इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखने पहुंचेंगे, सो ऑडियंस बल्क में जाने वाली है, मतलब कि एक बंदे के साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे, तो क्या मतलब कि एक के साथ 4 लोग, तो हुआ ना ऑडियंस का इजाफा। तीसरा पॉइंट इसका पहले तो अंदाजा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की न्यूज के चलते जैसा पता चला है कि ओ माई गॉड 2 में दिखाया जाने वाला कंटेंट हर टाइप की ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला, जिस वजह से जिनको यह कंटेंट पसंद नहीं आता वो गदर 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और गदर 2 को इसका सच में सीधा और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये तो था आपकी और हमारी एनालिसिस पर कि फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट रहने वाली है या फिर फ्लॉप रहने वाली है। बाकी ऐसे ही मजेदार एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल बने रहिए, और बने रहने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। बाकी क्या है, स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी न्यू मूवी के रिव्यू के साथ या फिर ऐसे ही किसी मजेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।